जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 2 परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत आज हम लोग ऑफबाह नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना देखेंगे, यानी उपकोष के रूप में SPDF के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना देखेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको ऑफबाह नियम बताए थे और इसके साथ साथ N+L नियम बताए थे। इन दोनों नियमों का उपयोग करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। फिर पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है आधुनिक परमाणु मॉडल के आधार पर। अब इसके बाद चलिए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तो सबसे पहले हम वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है यानी हाइड्रोजन से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का लिखेंगे। देखें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s1, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ दिखा दिए। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं हीलियम, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2। अब पहला उपकोष पूर्ण हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लिथियम का देखें, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। तो अब अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए और इसके बाद अब इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में जाएंगे, ये हो जाएगा 2s1। अब इसके बाद हम लोग बेरिलियम का देखेंगे और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 और ये हो जाएगा 2s2। अब 2s उपकोष भी भर गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बोरान की। तो बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5 और ऊर्जा स्तर आरेख से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले 1s उपकोष भरता है, इसके बाद 2s भरता है, फिर 2p भरता है, फिर 3s 3p एंड सो ऑन, ये आपको बताया जा चुका है। तो अब अगर हम बोरान के लिए देखें तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2, देखिए 2+2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2s के बाद आता है 2p, ये हो जाएगा 2p1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके बाद कार्बन का देखेंगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p2। अब कार्बन के बाद हम नाइट्रोजन का देखेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और फिर 7 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें क्या होगा, 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p3। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। आप दिमाग में रखे रहिएगा कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है और उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो फिर देखें ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, 1s2 2s2
2P4 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन के बाद हम आते हैं फ्लोरीन पर, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है। अब फ्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और ये हो जाएगा 2p5। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं फ्लोरीन के बाद हम सीधे आएंगे नियान पर, और नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10, तो 10 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6। आपको बताया गया था कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये कक्षा कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद नियान के बाद हम आते हैं सोडियम पर, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो फिर ये हो जाएगा, देखिए अब 2p के बाद क्या पड़ेगा, 2p के बाद नंबर आएगा 3s का, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब देखिए क्या होगा, ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6 और 2p के बाद आ जाएगा 3s1। फिर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सोडियम के बाद हम आते हैं अब मैग्नीशियम पर, तो देखें मैग्नीशियम के लिए क्या होगा, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और फिर ये हो जाएगा आपका 3s2। तो अब देखिए 3s भी कंप्लीट हो गया, अब 3s के बाद अब नंबर आएगा 3p का। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर देखें मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। अब ये हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3s के बाद आ जाएगा 3p1। देखिए 3s के बाद 3p और एक इलेक्ट्रॉन बचा तो ये 3p में चला गया। अब एल्यूमिनियम के बाद हम आएंगे सिलिकॉन पेयर, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये हो गया 3p2। फिर आगे बढ़ते हैं, तो सिलिकॉन के बाद अब हम आते हैं फास्फोरस पर, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, 15 होता है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये हो जाएगा 3p3। अब इलेक्ट्रॉन आगे तब जाएगा जब यह p उपकोष पूर्ण रूपेण भर जाएगा। अब इसके बाद हम फास्फोरस के बाद आते हैं सल्फर पर, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो फिर देखे क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये हो जाएगा 3p4। अब सल्फर के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ हम क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो 1s2, 2s2 और एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम डिटेल में बता रहे हैं, साल्ट में नहीं बता रहे हैं, आगे हम आपको बताएंगे कि इसको साल्ट में कैसे लिखा जाता है, लेकिन पहले अभी आप डिटेल में इसको देखें तो ये हो गया 2s2, 2p6, 3s2 और ये हो गया 3p5 हो जाएगा। अब क्लोरीन के बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्गन पर, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, लिखें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखिए यहाँ ऊपर जो दिखाया जा रहा है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है,
तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए। देखें ये देख लीजिए 18 है कि नहीं, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम आर्गन से आगे बढ़ें तो अब हम आते हैं पोटेशियम पर। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है और फिर देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब देखिए 3p कंप्लीट हो गया है, तो 3p के बाद अब इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। तो ये हो गया आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3p के बाद आएगा 4s1। अब इसके बाद देखें पोटेशियम के बाद क्या होगा, तो पोटेशियम के बाद कैल्शियम, ये हो गया 20, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब देखें ये हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 4s भी कंप्लीट होता है। अब 4s के बाद देखिए अब 3d आएगा। अब इसके बाद हम लोग स्कैंडियम पर देखेंगे, तो स्कैंडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 21 होता है और 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और फिर ये 4s2 और 4s2 के बाद अब अगला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 3d में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3d1। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो स्कैंडियम के बाद हम आगे बढ़ते हैं टिटेनियम पर। टिटेनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 22 होता है। अच्छा, इसको चाहे तो हम सजा के भी लिख सकते हैं, यानी 1 कोस वाले को एक जगह, 2 कोस वाले को एक जगह, 3 कोस वाले को एक जगह, 4 कोस वाले को एक जगह, इसको हम सजा करके भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं देखिए टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और ये हो गया 3s2, 3p6, 4s2 और ये हो जाएगा आपका 3d2। तो टिटेनियम का हुआ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और वेनेडियम का देखते हैं, तो वेनेडियम का परमाणु क्रमांक जो होगा वो 23 होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ये होगा 1s2, 2s2 और ये हो गया 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये हो जाएगा 3d3। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब इसके बाद नंबर आता है कॉपर का परमाणु क्रमांक 24 और कॉपर अपवाद है, याद रखे रहिएगा, हमने आपको बताया था कि मुख्य रूप से 4 अपवाद होते हैं, क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो अब ये कॉपर अपवाद है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, लेकिन ये अपवाद है, तो जानते हैं क्या होता है कि कोई भी उपकोष या कोई भी कक्षा स्टेबल तब होती है जब या तो वो फुल फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो। तो इसके लिए होता ये है कि 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ आ जाता है, 3d5 में आ जाता है। तो अब जाकर के ये कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहा, जैसे हम पहले लिखे थे वैसे लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैग्नीज का। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो ये हो गया 1s2, 2s2,
2P6, 3S2, 3P6, 4S2 और फिर हो जाएगा 3D5। अब इसके बाद मैग्नीज के बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैग्नीज के बाद आता है आयरन। आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो फिर ये हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये हो गया आपका 3d6 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आयरन के बाद देखें कोबाल्ट आता है, तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है। लिखते हैं कोबाल्ट का, तो फिर ये हो जाएगा आपका, ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये हो जाएगा आपका 3d7। अब कोबाल्ट के बाद बारी आती है निकिल की, तो निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28, 28 होता है। और चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं, तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये हो जाएगा 3d8। अब इसके बाद बारी आती है, देखें अब इसके बाद कॉपर की बारी आती है, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। और ये जो है, अब ये अपवाद है, तो ये क्रोमियम है, ये गलत हो गया था, ये क्रोमियम है। अब ये है कॉपर, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29। अब इसका ये भी अपवाद है, तो अब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9 तो होना चाहिए ये, लेकिन ये अपवाद है, होता नहीं है। इसमें भी होता ये है कि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाता है 3d में। तो अब ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कॉपर का। अब इसके बाद अगर और आगे हम बढ़ते हैं, तो जिंक, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब देखिए 3d कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद 4p शुरू होगा। तो ऐसे ही इस समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या है लगभग 123-24 है, तो ऐसे ही 123-24 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख डालिएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो जब कमेंट करके बताएंगे तो आगे जो और विवादास्पद में मुख्य रूप से क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, तो दो लिख दिए, दो और है तो उसका भी आप लोग करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हम आपको बताए हैं आह्वानियम से, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बता दें, जब आगे आप लोग तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ेंगे, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का निर्धारण करना कि तत्व किस आवर्त का है, किस ब्लॉक का है, किस वर्ग का है, तो उसका भी निर्धारण हम लोग यहाँ आह्वा नियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कर लेते हैं। तो फिलहाल इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहें और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के
सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सके। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेस है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। आप अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको आल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।